तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की कुछ बड़ी अहम खबरों का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ी चोट, सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में ढेर किए 5 आतंकवादी। ओमिक्रॉन के संक्रमण से केंद्र सरकार अलर्ट पर, 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगा केंद्र। गुरु पर्व समारोह में पीएम मोदी ने कहा, सिख गुरुओं की महान तपस्या के कारण भारत की अखंडता आज तक सुरक्षित। सुशासन दिवस पर उपराष्ट्रपति नायडू बोले, अच्छी विधेयिका के लिए अच्छे विधायकों और सांसदों की जरूरत, प्रश्नकाल का 61% समय हुआ बर्बाद। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बाद असम सरकार ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान, कई और पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। आंदोलन खत्म होते ही बिखरा संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे 22 किसान संगठन। बोफर्स केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल होगी, सपा ने किया पलटवार। राजनीतिक दल में जल्द शामिल हो सकते हैं हरभजन सिंह, कहा कई पार्टियों से मिल रहे हैं ऑफर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान राज्यों में होगी बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। यूपी में बच्चों के लिए काल बना निमोनिया, मैनपुरी में 30 दिन के अंदर दर्जन भर से ज्यादा मासूमों की मौत। में कदम पीछे हटे हैं, आगे बढ़ेंगे। तोमर के इस बयान पर सुरजेवाला पलटवार पर बोले, सरकार खत्म करती है, कृषि मंत्री कहते हैं कानून फिर लाएंगे। महाराष्ट्र में ईंधन पर टैक्स कम करने से सीधा इनकार, फडणवीस बोले, आघाड़ी सरकार का खोखलापन उजागर। राजस्थान, 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले सामने आए हैं, मचा हड़कंप, जयपुर में सबसे ज्यादा मामले। वाराणसी में टीएमसी नेता ने शेयर किया मोदी योगी का फेक वीडियो, केस दर्ज, अब ट्विटर अकाउंट भी होगा सस्पेंड। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का हुआ सफल प्रक्षेपण, ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाने में नासा को मिलेगी मदद। सूर्यवंशी और पुष्पा को टक्कर नहीं दे पाई रणवीर की 83, स्पाइडरमैन ने मारी बाजी। कैटरीना कैफ ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग, तमिल सुपरस्टार बनेंगे हीरो। तो देश और दुनिया से जुड़ी इन मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।